तीन चरण हम पूरे कर चुके हैं और मुकाबला पृथ्वी, अग्नि और वायु के बीच है। जल और आकाश थोड़े पीछे चल रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी भी राउंड काफी है। अब जो राउंड है वो शेष विशेष राउंड है और शेष विशेष के बाद हम एक जैकपॉट प्रश्न पूछेंगे। जैकपॉट 50 अंकों का हम एक जैकपॉट प्रश्न पूछेंगे और 50 अंकों के इस प्रश्न को जो टीम सबसे आगे होगी मौका उसे दिया जाएगा, और अगर उस टीम ने जवाब नहीं दिया तो जो टीम सबसे पीछे होगी उसको मौका दिया जाएगा, और अगर उन्होंने भी जवाब नहीं दिया तो ये सवाल ऑडियंस में जाएगा। एक जैकपॉट सवाल हम पूछेंगे। जज सहमत है इसके? टीम इस राउंड के बाद हम एक जैकपॉट सवाल पूछेंगे 50 अंकों के लिए। जो टीम सबसे लीड ले रही होगी मौका उसको मिलेगा क्योंकि उसने बेहतर किया, और अगर वो टीम जवाब नहीं दे पाई तो जो सबसे पिछड़ रही है हम उसको मौका देंगे, और उसके बाद हम चाहें तो उसको पास कर सकते हैं या हम उसे ऑडियंस में भेज सकते हैं। हम इस राउंड के बाद देख लेते हैं, या अगर आप चाहेंगे, आप सभी सहमत अगर प्रतियोगी हो तो हम इस पहला मौका जो पिछड़ रहा उसको देंगे, दूसरा मौका जो एकदम अंतिम छोर पर है, और उसके बाद हम उसको राउंड को घुमा देंगे, पास कर देंगे। 50 अंक मिलेंगे जैकपॉट के लिए, चाहे जो जवाब दे दे 50 अंक, ठीक है? तो लेकिन उससे पहले हमारा जो राउंड है शेष विशेष राउंड है हमारा, और शेष विशेष में हम 10 सवाल पूछेंगे, 5 इधर से 5 उधर से। पहले इधर से है क्रम, इधर से 5 इधर से और 5 इधर से। सवाल थोड़े कठिन हो जाएंगे अब, तो अंक भी आपको ज्यादा मिलेंगे। 40 अंक सीधे सवाल के लिए, 20 अंक पास क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तैयार है आप? आगे बढ़े। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में काबा कहे जाने वाले चूहों के अलावा किस जीव को शुभ माना जाता है? देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में काबा कहे जाने वाले चूहों के अलावा किस एक अन्य जीव को शुभ माना जाता है? देशनोक में माँ करणी का मंदिर है, यहाँ माँ करणी मंदिर भी है, करणी माता समिति है, हर साल आयोजन करती है, अन्य कामों में भी आगे रहती है। रात को प्रसाद का वितरण का जिम्मा उन्होंने संभाल रखा है समिति के सदस्यों ने, और करणी माता के भक्त बढ़ते जा रहे हैं। मैं भी अभी देशनोक हो आया था पिछले दिनों। टाइम अप हो गया, हम इनका सवाल का जवाब सुने, समय पार हो गया इनका, हम जवाब लें इनका, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए भाईती जी ने कहा है, बताएं आप जवाब, बताएं आप। शेर, सिंह बोल रहे हैं आप। करणी माता का स्वरूप है लेकिन शेर नहीं है। चील। बिल्कुल सही जवाब दिया सरला राठी ने। चील पक्षी जो कि अशुभ माना जाता है, लेकिन करणी माता मंदिर में चील को शुभ माना जाता है। अगर चील मंदिर की ध्वजा को छू भी जाए तो शुभ होता है। घंटी बजी और घंटी से पुष्टि भी हुई बात की। काबा, चूहे के रूप में जो काबा है, किसी को सफ़ेद चूहा दिख जाए तो शुभ होता है, और वैसे ही मान्यता है कि चील जो एक पक्षी होता है, चील की दृष्टि बहुत तेज होती है, लेकिन अगर मंदिर की ध्वजा को चील छू जाए तो काफ़ी शुभ माना जाता है। करणी माता मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं जानते होंगे। देशनोक के अलावा अलवर में भी करणी माता का एक बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ के राजा बाघ सिंह को चील के रूप में दर्शन दिए थे माँ करणी ने। ये भी एक अन्य मैं आपको कारण बता रहा हूँ, हालांकि ये अलवर के मंदिर का उदाहरण है, देशनोक के साथ इसका कोई तारतम्य नहीं, लेकिन देशनोक मंदिर के बारे में स्पष्ट बात कि वहाँ चील को शुभ माना जाता है, जिस तरह वहाँ काबा जो चूहे के रूप में काबा है उनको पूजा जाता है, उसी तरह चील का भी उतना ही महत्व वहाँ पर
बहुत अच्छा सवाल था, मुझे लगा आप चील कह रहे हैं, आपने सिंह कहा, तो चलिए आपके पास उत्तर नहीं था और हमने उत्तर ले भी लिया। अगला सवाल जल के लिए, और 10 अंक 20 अंक मिले हैं उनको। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला, धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर दरअसल किस ऋषि की तपोभूमि है? धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर दरअसल किस ऋषि की तपोभूमि है? मार्कंडेय ऋषि है? मार्कंडेय नहीं है, अग्नि। कश्यप ऋषि। बिल्कुल सही जवाब दिया शकुंतला देवी अग्रवाल ने, बताया कि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर के नाम से हम जानते हैं जिस क्षेत्र को भारत में, वो दरअसल महर्षि कश्यप की तपोभूमि है। और महर्षि कश्यप, एक सरोवर था वहाँ पर, और वहाँ पर एक राक्षस रहता था जैसे कि कथा है, तो महर्षि कश्यप ने उस सरोवर को सुखा दिया और राक्षस का वध कर दिया, और सरोवर के सूखने के कारण पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रृंखला, दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कश्मीर घाटी उभर के आ गई। कश्मीर घाटी महर्षि कश्यप की तपोभूमि के रूप में विख्यात रही। और हमारा जो धर्म ग्रंथ है, पुरातन पौराणिक संदर्भ जुड़े हैं कश्मीर से, आदि शंकराचार्य का मंदिर है श्रीनगर में, और कई ऐसे वहाँ पर पहलू जो पुष्टि करते हैं इस बात की, और अपने आप में नाम के साथ जुड़ा हुआ, कश्यप ऋषि का नाम जुड़ा है कश्मीर के साथ। मुगल सम्राट जहांगीर ने कभी कहा था, गर फिरदोस ए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, अर्थात अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो बस यही है, यही है, यही है। कश्मीर के विषय में उन्होंने कहा था, धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, मैंने सवाल में भी यही बताया, लेकिन आजकल मामला वहाँ पर बिल्कुल अलग है। आज के संदर्भ में कहे कि स्वर्ग में अगर कर्फ्यू कहीं है तो यही है, यही है, यही है। स्वर्ग में अगर कहीं पत्थरबाजी है तो यही है, यही है, यही है, तो मामला थोड़ा अलग है। लेकिन हम अपनी परंपराओं को, अपने धार्मिक चिन्हों को भूल नहीं सकते। महर्षि कश्यप की तपोभूमि कश्मीर, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, 40 अंक आपको मिले इसके लिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अग्नि। और धीरे धीरे 20 अंक मिले हैं आपको, पास क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न आपसे, धीरे धीरे अग्नि की लपट तेज होती जा रही है, तो जल और वायु आप ध्यान दें थोड़ा। अगला सवाल आपसे है, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा किस पौराणिक चरित्र से संबंधित है? सवाल सुन ले पहले, गुरु पूर्णिमा किस पौराणिक चरित्र से संबंधित है? वेद व्यास जी उनसे जुड़ा हुआ है क्या? कैसे संबंधित है बता सकते हैं आप? कैसे संबंध है वेदव्यास से उनका? जी के जन्म उन्हीं के, मतलब वेदव्यास जी के गुरु माना जाता है ना सब, उन्हीं से, मतलब उनके जन्मदिन के दिन ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब दिया शकुंतला देवी अग्रवाल ने, गुरु पूर्णिमा। हम अपने जीवन में जो भी गुरु बनाते हैं, हमारे जो भी गुरु है, उनको हम याद करते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व पर। गुरु पूर्णिमा का पर्व अभी हाल ही में जुलाई के महीने में गया, लेकिन दरअसल गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस है। महर्षि व्यास जो अपने आप में साक्षात भगवान कहे जाते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, जिनके चार मुख नहीं है लेकिन वो ब्रह्मा है, जिनके चार भुजाएं जिनके नहीं लेकिन वो विष्णु है, तीसरा नेत्र जिनके पास नहीं लेकिन वो शंभु है, साक्षात भगवान महर्षि वेद व्यास, तो अपने आप में उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। और व्यासपीठ भी इसीलिए कही जाती है, तो गुरुओं के गुरु महागुरु महर्षि वेद व्यास, उनका जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा पर। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने और सभी श्रोताओं को भी मिली। तो जीवन में अगर योग्य गुरु मिला हो या न मिला हो, कोई समस्या की बात नहीं, गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास का ध्यान करें, काम बन जाएगा, ये तय बात है। वायु 40 अंक मिले हैं आपको, नंबरों की चिंता आप बिल्कुल ना करें, हमारी टीम पूरी देख रेख हो रही है और बिल्कुल कोई गफलत नहीं। वायु के लिए अगला सवाल, और हमारे हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ ये सवाल है, सवाल आप सुन लीजिएगा। हिंदू पंचांग,
घर पर पंचांग रखते होंगे आप, शायद हम तिथि देखते हैं कभी कभी, कुछ भी मुहूर्त देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। पंचांग के कितने अंग हैं, पंचांग के कितने अंग हैं और कौन से? आपको नाम बताने हैं सभी अंगों के, क्योंकि 40 अंक आप लेंगे, 40 अंक आप लेंगे, इसीलिए आपको सभी अंगों के नाम बताने पड़ेंगे। पंचांग के कितने अंग हैं, नाम बताएं सभी अंगों के। पांच, बिल्कुल, नाम से जाहिर है 5 अंग है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन 40 अंक तो आपको मिलेंगे तभी जब आप 5 अंगों के नाम बता देंगे। जल्दी बताएं आप थोड़ा। विक्रम संवत है, विक्रम संवत, सोनू मोहता, सीमा करनानी, थोड़ा उत्साह बढ़ाएं आप। पंचांग के 5 अंग और 5 अंगों के अंदर पूरा मामला सिमटा होता है, हम सभी काम कर देते हैं पंचांग के माध्यम से। पृथ्वी, 5 अंग होते हैं वार, तिथि, माह, संवत और नक्षत्र। जानकारी हमारे हिसाब से दुरुस्त नहीं है आपकी पूरी। जल, अग्नि, वार, तिथि, ग्रह नक्षत्र, संवत। आप स्पष्ट रूप से मुझे 5 नाम बताएं, अगर आप 5 बता सकते हैं फिर बताएं आप। वार, तिथि, घड़ी, घड़ी और मुहूर्त और संवत। वायु, आपके लिए तो मौका चला गया और ऑडियंस के पास मौका आया है, गूगल आपके पास है। घनश्याम बायती वहां से हाथ उठा रहे हैं, गंगा बिशन तोसनीवाल मुझे नजर आ रहे हैं। महिलाओं में, महिलाएं तो ज्यादा जानती हैं मोहर, तिथि, वार, नक्षत्र सभी के बारे में, बराबर मंदिर आती हैं, पंडित जी से चर्चा करती हैं। हेलो, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जवाब दें आप। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। बिल्कुल सही जवाब दिया घनश्याम बायती ने, जोरदार तालियां उनके लिए। तिथि, कौन सी तिथि पड़ेगी आज, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या या पूर्णिमा, कौन सी तिथि होगी? पंचांग हमें बताता है, पंडित जी हमें पंचांग के माध्यम से बताते हैं कौन सा वार है आज, पंचांग बताता है, कौन सा नक्षत्र है, पंचांग बताता है, क्या योग बन रहा है, पंचांग बताता है, और करण कौन सा चल रहा है। ये 5 अंग है, इन 5 अंगों के दरमियान और इनसे इतर ही मुहूर्त, घड़ी, तमाम वो चीज़ें, और जो संवत की आप बात कर रहे थे, संवत 2074 चल रहा है, ये भी पंचांग बताता है, बिल्कुल बताता है साल कौन सा चल रहा है। लेकिन विक्रम संवत, शक संवत, अलग अलग, लेकिन पंचांग के 5 अंग जो मुख्यतः जो उसके 5 भाग है वो आप बिल्कुल ध्यान कर लें। अब तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग है पंचांग के, नाम के साथ जाहिर सी बात 5 अंग होने चाहिए, और अंकों की व्यवस्था किसी के लिए नहीं। अच्छा उत्तर दिया घनश्याम बायती ने, बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया, हमारी परंपराओं के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं वो। और अगला सवाल आकाश से, अर्जुन को सब्यसाची क्यों कहा जाता है? भगवान कृष्ण के सहस्त्रों नाम है, कृष्ण सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, उसी तरह अर्जुन अपने आप में एक वीर योद्धा थे, उनको भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पार्थ, अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं, कौंतेय भी कहते हैं, कुंती का पुत्र थे, पांडव थे क्योंकि पांडु के पुत्र थे। सब्यसाची क्यों कहा जाता है अर्जुन को, सब्यसाची? 40 अंक मिलेंगे आपको अगर आपने जवाब दे दिया तो। सुभद्रा का पति होने के कारण। सुभद्रा का पति तो सब्यसाची नहीं है, आपने तुक्का लगाया, संयोग आपने बिठाने की कोशिश की, लेकिन जवाब गलत है आपका। पृथ्वी, सब्यसाची ये शब्द सुना आपने कभी? सब्यसाची सुना है। जल, सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला तो सत्यवादी, सब्यसाची तो नहीं। अग्नि, अर्जुन बाएं हाथ से भी बाण चलाने में निपुण थे। हाँ, बाएं हाथ से भी वो बाण चलाते थे, दाएं से नहीं चलाते थे वो, दाएं से भी चलाते थे, दोनों हाथों से चलाते थे वो। बिल्कुल सही जवाब दिया शकुंतला देवी अग्रवाल ने। अर्जुन अपने आप में जो महान धनुर्धर की श्रेणी उनको मिली, क्योंकि धनुर्विद्या से जुड़ा ऐसा कोई भी काम अर्जुन नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं था। अगर बाण
दाएं हाथ से वो चलाते थे तो बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे जरूरत पड़ने पर, अगर सामने न हो तो शब्द भेदी बाण भी चला लेते थे, सभी अस्त्र दिव्यास्त्र उनके पास थे। अर्जुन अपने आप में परिपूर्ण थे धनुर्विद्या में, और कभी कभी धनुर्धर के लिए दिक्कत आ जाती है कि अगर दायां हाथ चोटिल हो जाए तो धनुष कैसे चलाएगा धनुर्धर, तो यहाँ भी अर्जुन पीछे नहीं थे, वो बाएं हाथ से बाण चलाते थे और उन्हें इसीलिए सभ्य सांची कहा जाता है। जवाब नहीं, जवाब अच्छा दिया आपने, कितने अंक मिले हैं? 20 अंक मिले हैं आपको। अगला सवाल भी आप ही के लिए है, ध्यान से सुनिएगा है, थोड़ा कठिन प्रश्न हो सकते हैं लेकिन जवाब जब आते हैं सामने तो लगता है कि ये सवाल तो कठिन नहीं थे उतने, ऐसी बात है ना। भगवान शिव को अपने गण, भगवान शिव को अपने गण भृंगी के चलते कौन सा रूप धारण करना पड़ा था? भगवान शिव के कई गण थे, वीरभद्र हालांकि मुख्य गण थे, नंदी और भृंगी। नंदी भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव के गासी, शीस गंग अर्दंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। शिवजी की आरती आपने सुनी होगी, शिव के गण नंदी के साथ भृंगी का जिक्र आता है। ये भृंगी कौन है हमने पता किया इस बार, हम वहाँ पहुँचे जहाँ भृंगी थे और हम भृंगी के बारे में कुछ जानकारी लेकर आपके पास आए हैं। भगवान शिव को अपने इस गण भृंगी के चलते समस्या हुई थी, किस रूप को धारण करना पड़ा था भगवान को, जानकारी है? आप भृंगी का नाम सुना आपने, गण थे भगवान के। अर्चना बायती, सुनीता कोठारी, नारी रूप। आप जवाब के नजदीक है, आप अगर जवाब स्पष्ट देंगे। अर्धनारी, उन्होंने कहा नारी रूप और वो अर्ध नारीश्वर बता रहे हैं, जवाब इनके पास है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20 अंक इनको देने पड़ेंगे। भृंगी के चलते भगवान को अर्ध नारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा था, नारी का स्वरूप भी लेना पड़ा और अर्ध नारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा भृंगी के चलते। नंदी के साथ भगवान शंकर के गण थे भृंगी। जोरदार तालियां एक बार वायु के लिए, अच्छा जवाब उन्होंने दिया, कठिन था, तुक्का आपने लगाया शायद, मुझे लगता है ऐसा। तो ये भृंगी एक ऋषि थे और ये भगवान शंकर के उपासक थे, लेकिन माता पार्वती की उपेक्षा करते थे, माता पार्वती के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था। तो कैलाश पर जब आए तो उन्होंने माता पार्वती की परिक्रमा नहीं की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर को नमस्कार किया, पार्वती माता को नहीं किया। तो ये देखकर भगवान शंकर ने बीच का रास्ता निकालते हुए जब वो परिक्रमा करने लगे तो भगवान शंकर माता पार्वती से सट गए कि इसी के चलते भृंगी उनकी भी परिक्रमा कर देंगे, लेकिन भृंगी ने सर्प रूप धारण कर लिया और बीच में से निकलने लगे। भृंगी भी हटी थे, ऋषि थे, और जब बीच में निकलने लगे तो भगवान और ज़्यादा पास आए और अर्ध नारीश्वर का रूप धारण कर लिया, भगवान एकाकार हो गए माता पार्वती के साथ। तो भृंगी चूहे बनकर उस अर्ध नारीश्वर रूप को कुतरने लगे। ये धृष्टता देखकर माता पार्वती ने श्राप दिया भृंगी को, और भृंगी के शरीर का जो चर्म था वो सभी धरती पर गिर गया और मात्र हड्डी का ढांचा बचा। मतलब माता के द्वारा उन्हें जो शरीर मिला है वो शरीर उनका साथ छोड़ देगा, ये श्राप दिया माता पार्वती ने। मान्यता के अनुसार माता के द्वारा शरीर में रक्त और चर्म मिलता है हमें और पिता के द्वारा हड्डियाँ मिलती है, तो हड्डियों का ढांचा रह गया और माता के द्वारा दिया गया शरीर भृंगी का चला गया। तो बाद में भृंगी को अपने किए पर पछतावा हुआ, उसने माफ़ी मांगी, तो माता पार्वती ने श्राप लौटाने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं श्राप का फल भोगूंगा। वो चल नहीं पा रहे थे, उन्हें एक तीसरा पैर दिया, आप भृंगी का स्वरूप देखेंगे तो उसमें तीसरा पैर भी नजर आएगा आपको। ये नंदी और भृंगी ये दो गण है भगवान के प्रमुख, ये द्वारपाल भी है, ये गण भी है, ये पार्षद भी है, सभी कैटेगरी में ये फिट है नंदी और भृंगी। तो भृंगी का ये कृत्य था जिसके चलते भगवान को अर्ध नारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, लेकिन तुक्का मारा आपने, चलिए, लेकिन कम से कम जगह पे मारा, और 20 अंक मिले आपको। और अगला सवाल आपके लिए, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, वर्ष की गणना जो होती है, साल में 365 दिन होते हैं अंग्रेजी महीने में, सूर्य 12 राशियों में पूर्ण होता है, 12 महीनों में 365 दिनों का सौर वर्ष होता है, लेकिन चंद्रमा की जो गणना होती है
वो 27 दिनों में 27 नक्षत्रों में पूर्ण होती है। तो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच एक अंतर पैदा होता है। इस अंतर को पाटने के लिए सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाता है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाता है? सवाल बिल्कुल सरल है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। सोलर ईयर और लूनर ईयर दोनों में दिनों का फर्क है, 354 बटा कुछ दिनों का समय होता है चंद्र वर्ष में और 365 दिन होते हैं सौर वर्ष में। अधिक मास कब आता है? अधिक मास चार साल से। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए एक बार। अधिक मास, हमने सवाल बिल्कुल स्पष्ट पूछा कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाता है, अधिक मास से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जवाब उनका पूरा है, 40 अंक उनको मिले हैं। 3 सालों पर अधिक मास आता है, 3 सालों पर। सीधी सी बात है कि चंद्र वर्ष के जिस महीने में, हर महीने में संक्रांति पड़ती है, सूर्य संक्रांति, और जिस महीने में संक्रांति दो हो जाती है, नहीं होती, जिस महीने में दो हो जाती है तो उसको मान लिया जाता है। और अधिक मास 3 वर्षों में, इन 3 वर्षों में जो ये सीमा है वो पूरी हो जाती है काल की गणना की। और किसी किसी साल 6 मास भी आता है, महीना घट भी जाता है, ऐसा भी होता है कई बार। लेकिन जिस साल 6 मास आता है उस साल अधिक मास भी निश्चित रूप से आता है। लगभग 19 सालों पर यह स्थिति बनती है कभी कभार, लेकिन 3 सालों पर अधिक मास आता है और यह सामंजस्य सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में स्थापित होता है। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, 40 अंक आपको मिले हैं। और अगला सवाल अग्नि के लिए, किस पौराणिक पात्र को शतरंज के खेल का जनक कहा जाता है? शतरंज का जो खेल है वो हमारे भारत और बहुत प्रचलित हो गया। भारत का दबदबा, विश्वनाथन आनंद और कई शतरंज के बड़े खिलाड़ी, उन्होंने दबदबा फिर भी हमारा कायम रखा समय समय पर। शतरंज का ये जो खेल है, माना जाता है कि एक पौराणिक पात्र हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। ये शतरंज का खेल उनका ईजाद किया हुआ है, ये उनका आविष्कार है, उन्होंने इस खेल को बनाया। जवाब है आपके पास? राजा नल। जल। शकुनी द्वित क्रीड़ा खेलते थे, चौसर, वो द्युत था, वो अलग खेल है, शतरंज नहीं है वो। महाभारत में जो खेल खेला गया वो शतरंज का खेल नहीं था। पृथ्वी, आकाश, ऋतुपर्ण। कौन है ये? मैं तो नाम याद सुना इनका, ऋतुपर्ण। वायु। जवाब है आपके पास? ऑडियंस में कोई देना चाहेगा जवाब? शतरंज का खेल किस पौराणिक पात्र का ईजाद किया हुआ बताया जाता है, जिसने शतरंज का खेल बनाया, जिसका आविष्कार किया? अभिमन्यु ने नहीं। शतरंज में भी व्यू रचना होती है, एक हिसाब से व्यू रचना बनती है, खिलाड़ी जो खेलते हैं वो अपना व्यू बनाते हैं, बिल्कुल उसके सदृश मामला है, लेकिन अभिमन्यु ने नहीं शुरू किया था। ऑडियंस में कोई बताना चाहेगा? महिलाओं में, काफी महिलाएं यहां बैठी है, आपको जानकारी है? चलिए मैं बता देता हूं, थोड़ा कठिन है सवाल मुझे लगता है, लेकिन जवाब अच्छा लगेगा आपको। शतरंज का जो खेल था, ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जो अपने आप में पंच सतियों में भी गिनी जाती है और एक काफी विलक्षण प्रभावशाली महिला थी, रावण की पटरानी थी, मंदोदरी ने शतरंज का खेल ईजाद किया था। कारण बता देता हूं आपको, रावण हमेशा युद्धों में रत रहता था और युद्ध में हमेशा लगा रहता था, तीनों लोकों पर विजय पाने की ललक थी उसमें, और मंदोदरी को लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे रावण के साथ कुछ संवाद किया जाए, कुछ समय बिताया जाए, तो मंदोदरी ने शतरंज के खेल का ईजाद किया। और शतरंज को चुनने का कारण भी यही था कि यहाँ भी मामला युद्ध, स्थितियाँ युद्ध जैसी होती है शतरंज में, वहाँ भी चालें चली जाती है, सेनाएँ लड़ती है, और बिल्कुल माहौल वैसा ही बनाया कि रावण के साथ जब शतरंज खेले
तो व्यू रचना हो, सिपाही लड़े और दोनों तरफ से चाले चली जाए और इस दौरान चर्चा का समय भी मिले, तो शतरंज के खेल की जनक कही जाती है मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी। थोड़ी जानकारी कठिन थी, गूगल ने भी सहायता आप लोगों की नहीं की शायद, मुझे लगता है किसी की सहायता नहीं की गूगल ने, की है सहायता आपकी? हो सकता है कोई संदर्भ उलट के आ गया हो आपके पास, गूगल को निकालने के लिए भी समझ संदर्भ होना पड़ेगा आपके पास, पहली बात यह है, और तब भी गूगल बता दे ये जरूरी नहीं। चलिए, मैंने जानकारी जितनी दे दी है शायद उतनी जानकारी आपको न मिले, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे, जल 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 के लिए अगला सवाल है। नंद के घर यशोदा के गर्भ से, आराम से सुनिएगा आप, आवाज सुन रही है ना मेरी आपको गोपाल जी राठी। नंद के घर यशोदा के गर्भ से जन्मी, वह कारागार में कंस के हाथों से छूटकर आकाश मार्ग को चली गई देवी योग माया। नंद के घर यशोदा के गर्भ से जन्मी, वह कारागार में कंस के हाथों से छूटकर आकाश मार्ग को चली गई देवी योग माया को हम किस रूप में पूजते हैं? उस देवी योग माया का पूजन हम किस रूप में करते हैं, मैं यही जानना चाहता हूं बस। दुर्गा के है? दुर्गा के स्वरूप क्या है? देवी योग माया तो साक्षात दुर्गा है, मैं आपको देवी का वो स्वरूप पूछ रहा हूं जिस स्वरूप में हम उन्हें पूजते हैं। रोहिणी 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 के गर्भ से तो जन्मी थी वो चतुर्भुज। पृथ्वी आपको जानकारी है? है? आकाश स्कंद माता। वायु 64 योगिनी योग माया विंध्यवासिनी। बिल्कुल सही जवाब दिया शकुंतला देवी अग्रवाल ने, जोरदार तालियां उनके लिए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं आप, बहुत अच्छा जवाब दिया। जन्माष्टमी का मौका है, भगवान कृष्ण के लीला चरित्रों से हम सवाल उठाते हैं, पिछले कई सालों से आयोजन कर रहे हैं, सवालों की अधिकता नहीं होती उतनी, विकल्प कम रहते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि विषयों को छूते हुए हम सवाल लेकर आएँ, और एक सवाल हमने लाया देवी योग माया से जुड़ा हुआ, और वो योग माया चली गई और विंध्यवासिनी के रूप में जन्मी। जब कंस ने कारागार में डाला था देवकी और वसुदेव को, तो वसुदेव के जो गुरु थे, जो उनके पुरोहित थे गर्गाचार्य, उन्होंने देवी को प्रसन्न किया, तो देवी ने कहा कि मैं इसका निदान करूंगी और यशोदा के गर्भ नंद के घर में जन्म लूंगी, तो उनको वरदान दिया था, और बाद में नंद गोप के यहाँ जन्मी। देवी संहिता में भी ये है, आपको दुर्गा सप्त सती में भी मिलेगा संदर्भ, कि देवी ने योग माया के रूप में रोहिणी के गर्भ से, यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, क्षमा चाहूँगा, यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, और बाद में भगवान कृष्ण पहुँच गए गोकुल और योग माया कारागार में पहुँची, और कंस ने जब मारने का प्रयत्न किया तो उनके हाथ से छिटक कर आकाश में चली गई, और देवी अपनी जो दिव्यता थी उनकी उस ज्योत में लीन हो गई, और कंस को कहा कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस को इशारा कर गई देवी योग माया, और विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी का जो मंदिर, हम विंध्याचल देवी के रूप में उनको पूजते हैं आज भी, वो देवी योग माया साक्षात भगवान कृष्ण के इस लीला चरित्र से उनका जुड़ाव है। अगला प्रश्न हम पूछेंगे, और ये इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपसे है, पृथ्वी से। युद्ध के पश्चात कर्ण का रहस्य उजागर होने पर, युद्ध के पश्चात कर्ण का रहस्य उजागर होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने किसको व क्या श्राप दिया? कर्ण का जब रहस्य उजागर हो गया कि कर्ण कुंती का पुत्र था, और मालूम चला पांडवों को भी कि ये हमारा ही भाई था, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्राप दिया, क्या श्राप दिया, किसको दिया, बताएं। पास आकाश। अपनी माता कुंती को श्राप दिया कि मतलब उसके पेट, स्त्री के पेट में कोई बात नहीं बचेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया सीमा देवी कर्णानी ने, बिल्कुल स्त्रियों के बारे में जो युधिष्ठिर का कथन था, एक श्राप दिया युधिष्ठिर ने,
हालांकि वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से दिया गया कि इतना बड़ा रहस्य कुंती ने पचा लिया और उस रहस्य को उजागर नहीं होने दिया, इसलिए आज के बाद स्त्री जाति को यह श्राप युधिष्ठिर के द्वारा कि उनके पेट में कोई बात नहीं पचने वाली। तो युधिष्ठिर के द्वारा यह श्राप दिया गया था। श्राप का फल होता है अलग अलग, सकारात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो अच्छा भी, कभी कभी बुरा भी। आकाश टीम, अच्छा आपने जवाब दिया, 20 अंक आपको मिले। सीमा देवी करनानी, चेहरे पर उनके मुस्कान दौड़ गई। और ये राउंड खत्म हो गया इसके साथ। और एक सवाल हमारे पास ऑडियंस के लिए भी है, ऑडियंस से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि भगवान ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन ने लगातार भगवान श्री कृष्ण से सवाल पर सवाल पूछे। पहले तो अर्जुन ने युद्ध के लिए मना किया, उसके बाद भगवान ने गीता का उपदेश दिया। कई श्लोकों में इसका उल्लेख गीता के रूप में दर्ज है, महाभारत के भीष्म पर्व में। और गीता के इस उपदेश में भगवान ने बताया, अर्जुन ने सवाल पूछे, भगवान ने उनका निराकरण किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कोई प्रश्न किया? रोजाना गीता पढ़ते हैं लोग, हमारे पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, कंकन ज्योति शर्मा अभी आए हमारे बीच, हाथ उठा रहे हैं, चलिए हम आपके पास आएंगे। लेकिन सवाल मैं दोहरा दूं फिर कि क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कोई प्रश्न किया है क्या, या अर्जुन ने ही सभी सवाल पूछे और भगवान ने उसका निराकरण किया? निश्चित रूप से पूछा होगा, तभी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये बात तय है। अगर पूछा है तो ये क्या सवाल पूछा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से? ऑडियंस में कंकन ज्योति शर्मा के पास आना चाहूँगा। पहले कंकन बता रहे हैं, आप बताएं कंकन। उसने ये कहा था कि अगर तुम अपने विरोधी में अपने परिवार को देखते हो या अपने मित्र को देखते हो, मगर एक बात तुम कदम मत भूलो कि तुम युद्ध में खड़े हो। और उसने कहा था कि युद्ध में कोई अपना और पराया नहीं होता है, ये गीता के श्लोक में लिखा है, और तुमको हथियार उठाना है धर्म के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, गीता का सार यही है। लेकिन ये उनकी, ये भगवान कृष्ण की सलाह है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का दिया गया उपदेश है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि भगवान ने लिया क्या अर्जुन से? भगवान ने अर्जुन को सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ, जैसे हम पत्रकार पूछते हैं, हमेशा माइक लगाते हैं या हमेशा पूछते हैं कि भाई आप बताएं। लेकिन कभी कभी सवाल हमारे पास भी उलट होके आते हैं, बूमरेंग होता है, और हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर मामला ये है कि भगवान ने क्या सवाल पूछा अर्जुन से, बाकी तो भगवान के ही श्लोक है। अर्जुन ने तो बस एक बार बराबर अर्जुन पूछ रहा और भगवान बता रहे हैं, लेकिन भगवान ने भी अर्जुन से कुछ पूछा है? पास। मैं यही जानना चाहता हूँ। पास, पास। चलिए कोई बात नहीं, आपने जज्बा दिखाया कंकन और बहुत अच्छा लगा। गीता का सार बिल्कुल यही है, इसीलिए हमारा मकसद भी यही कि हम गीता को कम से कम संदर्भ में लाएं और गीता की भी चर्चा करें। थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन रोजाना गीता का पाठ होता है, रोजाना महिलाएं घर में गीता पढ़ती है। अलग अलग श्लोक है संस्कृत में, उसका हिंदी में अनुवाद भी दिया हुआ है सरल भाषा में, और महात्म्यम तक पहुंचती है, महात्म्यम को पढ़ती है, तब जाकर के गीता का पाठ पूरा होता है। तो जरूर हम ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि अर्जुन ने भी भगवान को कुछ जवाब दिया, सवाल भगवान कृष्ण के और जवाब अर्जुन के। ऑडियंस में कोई बता सकता है? गूगल अवेलेबल है, गूगल आप ले सकते हैं, गूगल की सहायता। दिलीप जी कट्टानी, आप लोगों के पास भी वहाँ इंटरनेट की स्पीड काफ़ी तेज है, तो आप चाहें तो उस तेजी का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। चाहें तो इस जानकारी को साझा हमसे आप करें, नहीं तो हम करेंगे निश्चित रूप से। अर्जुन से क्या प्रश्न पूछा और अर्जुन ने जवाब दिया? जवाब सुन के, जब जवाब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये तो सरल था काफी। चलिए मैं बता देता हूं, गीता के दौरान जब गीता का उपदेश हो रहा था, भगवान इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, और इस ज्ञान के दौरान भगवान बराबर अर्जुन की शंकाओं का समाधान कर रहे थे। लेकिन अंत में जाकर भगवान अर्जुन से पूछते हैं, गीता का 72वां श्लोक है, श्लोक नंबर 72। मैं ये बता देता हूँ आपको, भगवान दो सवाल पूछते हैं, सीधे सवाल है, कोई भी पूछना चाहेगा कि हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित होकर सुना है? ये सवाल है भगवान का। भगवान जानना चाहते हैं कि मैंने इतनी देर जो कवायद की, जो कसरत की,
जो तुम्हें गीता का ज्ञान दिया, क्या तुमने मन लगाकर इसको सुना है? क्या तुमने एकाग्रचित होकर इसको सुना है? भगवान का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि अर्जुन के कान ही महज इस ज्ञान को ग्रहण न करे, बल्कि वस्तुतः अर्जुन अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारे और अर्जुन ने इसको ध्यान पूर्वक सुना है या नहीं। आप पुष्टि करेंगे, गीता में यह उल्लेख है निश्चित रूप से। भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना है, और दूसरा सवाल भगवान पूछते हैं, क्या तुम्हारा माया जनित मोह नष्ट हो गया? क्योंकि कोई भी शिक्षक जब शिक्षा देगा तो रिजल्ट तो पूछेगा, तो वो जानना चाहेगा कि क्या तुमने पढ़ाई अच्छे ढंग से, मैंने जो पढ़ाया तुमने समझा, और क्या तुम अब पास हो गए? तो बिल्कुल भगवान ने दो सवाल पूछे कि क्या तुमने मन लगाकर एकाग्रचित होकर गीता के इस उपदेश को सुना, और दूसरा जो सवाल था, क्या तुम्हारा माया जनित मोह नष्ट हो गया। दूसरे सवाल में भी भगवान का हेतु यह था कि मात्र गीता प्रवचन का माध्यम न बने बल्कि विकास का माध्यम बने, उसके द्वारा रिजल्ट भी आए, परिणाम भी आए, गीता परिणाम भी लेकर आए। पहले मौके पर परिणाम मिला और अर्जुन का माया जनित मोह भी नष्ट हुआ और अर्जुन ने एकाग्रचित होकर गीता के उपदेश को सुना। तो ये दो सवाल भगवान ने पूछे थे। गीता में उल्लेख है, 72वें श्लोक में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। सीताराम जी बायती यहाँ पर है हमारे बीच, मैं जानकारी उनके साथ भी साझा करना चाहूँगा। और इसके साथ ही हमारा ये चरण समाप्त हो गया और मैं चाहूँगा कि अंकों की व्यवस्था बंटी महेश्वरी बताएं। पृथ्वी 100, जल 90, अग्नि 200, वायु 170, आकाश 30।